साउंड 1-7 एक्शन। तो राक्षस हो तुम लोग, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखा दोस्तों, ये श्राप तो ऐसे दे रहा है जैसे खुद कोई देवता का अवतार हो, इसलिए किसी ने सच ही कहा है। रहमन, इस संसार में भांत भांत के लोग, कुछ पूजन के योग है, कुछ जूतन के योग, और इनके हिसाब से करोड़ों लोग राक्षस हैं। शायद इसीलिए मोदी जी राम राज ला रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राक्षस भी मोदी जी को वोट देने लगे हैं। यहाँ लोग भूत प्रेत और राक्षस को देख नहीं पाते, फिर बाद में यही लोग ईवीएम को रोना रोते हैं। शायद इसीलिए अब की बार 400 के पार। और लगता है कि ये भांग खाकर भाषण दे रहे हैं। ये जिनको राक्षस बोल रहे हैं ना, वो इस चुनाव में इनको तिलांजलि देने का काम करेंगे। इसके बाद कुछ भी हो, बोलने के लायक नहीं रहेंगे। पकड़े हैं। वैसे श्राप देने के लिए सत बोलने की शक्ति, तप का बल, सदाचार की शक्ति कहाँ बची है इन लोगों में। ये गजब के आदमी हैं, जहाँ खाना खाना है उसी थाली में छेद कर रहे हैं। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं, इसने बियर बार में रहने वालों की गुफा में तपस्या किया होगा, वहीं से ये सिद्धि मिली है, इसीलिए ये श्राप दे रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पागल खाना का हर पागल दूसरे पागल को पागल ही बोलता है। यही हाल कांग्रेसी रणदीप सुरजेवाला का हो गया है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। यह खुद को ऋषि दुर्वासा समझ रहा है, इसीलिए शराब दे रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इसका खेत जो जोत लिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भैंस भी लेकर के वो नेताजी आए हैं। क्या नाम है भैंसिया का? भैंस में, भैंस का नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी। भैंस जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लेकर के रैली में घुस गए। भैंस ले अब यहाँ देखो, स्मृति ईरानी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बताओ, कोई स्मृति ईरानी को सिलेंडर वाली चाची कहता है तो कोई पति चोरनी कहता है। यह सब क्या क्या देखना पड़ता है। तेजस्वी यादव की रैली में ये सज्जन भैंस लेकर आ गए और इसका नाम पूछने पर स्मृति ईरानी बताने लगे। ये भगवान क्या जुलुम है। वैसे इस भैंस का नाम राबड़ी देवी रखना चाहिए, क्योंकि ये भैंस उन्हीं की तरह गंवार है। भैंस भी सोच रही होगी कि ये हमको क्या क्या सुना रहे हैं, इस अमृत काल में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भैंसिया पूरी पराठा खाने वाली है। इसका चारा तो कोई और ही खा गया है, और ये भाई साहब इस भैंस को यही दिखाने के लिए ले जा रहे हैं कि इसके हिस्से का चारा यही लोग खा रहे हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। और कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि लोगों से विनती है कि कृपया इस भैंस को संभाल के रखें, नहीं तो क्या पता इस भीड़ में अब की बार किसको चुरा ले जाए। वैसे ये भैंस भी कह रही होगी, मालिक मिले गरीब भले, लेकिन भूखा रखने वाला हराम खोर न मिले। सीएम गोर मिले या काला, मगर चारा चोर न मिले।